मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल रोज वगैरह शेख साहिबा, तो आप जितने भी हमारे देही देश के लिए तोड़ होने की प्रेरणा देता रहेगा। निहायती के ऑफिसर मैम बैठे हुए हैं और जितने यहाँ पे लोग आज इस प्रोग्राम के लिए इतना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से ना निकलेगी इतना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। ये शेर जो मैंने कहा है, मैं उस ब्लॉक का रहने वाला हूं जिस ब्लॉक से मैं आया हूं। हम लोगों ने अपने वतन के लिए बहुत कुर्बानियां दी, हमारे बाप दादा ने अपने वतन के लिए बहुत कुर्बानियां दी, और अगर सामने हम देखें तो औरंगजेब जिसकी कुर्बानी को पूरा हिंदुस्तान याद करता है, मैं उसी गांव से हूं। मेरे ही गांव के लोग जो है 1965-71 में शहीद हुए उनकी यादगार भी मैटर पे बनी हुई। मेरे दादा साहब की भी जो यादगार है वो इंडियन आर्मी ने जो है बनवाई हुई है, एक वेद भक्त आदमी था जिसने हमेशा अपने वतन के साथ मोहब्बत की और कभी भी जो है दुश्मन के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं हुए। मैं आज तमाम लोगों से एक बात कहता हूं कि आपका रिश्ता किसी के साथ भी कैसा भी, लेकिन आपका रिश्ता सबसे बेहतरीन रिश्ता अगर होना चाहिए तो अपने वतन के साथ होना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूं कि हमारा मुल्क जो है अगर वो सलामत रहेगा तो हम सलामत रहेंगे, सलामत रहेगा तो मेरे ख्याल से ये जो महफिल में आया साथी यहां इंसान इंसान बनते हैं। हरी साल यहां पर तशरीफ फरमा रहे शौर्य चक्र औरंगजेब के वाले असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट जनरल आबद हुसैन शाह साहब ने अभी अगर हमें अभिन्नता की कोई भी फीलिंग
चल रही है और दूसरा मतलब ये नहीं कि देश शासित कर रहे हैं, मतलब किसी और तरीके का अगर सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखे और ये हम पहचाने, ये हम जाने पद का निर्माण। तो आप ये सोचिए कि आज हम शपथ लेते हैं कि भारत को एक बहुत राष्ट्र का है, विकसित राष्ट्र और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना, बनाने का सपना सरकार की मानसिकता, खुदाने की मानसिकता को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत और देश की रक्षा करने वालों का कर्तव्य निभाएंगे। ब्लॉक लेवल पे इसको कलश को इकट्ठा किया गया और आज हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हेडक्वार्टर में यहाँ पे जितने भी हैं वो मट्टी के कलश लाए गए और यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया। इसमें तमाम लोगों ने, हमारे इलेक्टेड लोग हैं म्यूनसिपल काउंसिल के बॉडीज को उसमें, या हमारे जितने भी DDC मेंबर, BDC और सरपंच पंच हजरात ने, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे DC साहब हैं, ACD साहब, उनकी पूरी टीम ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कंपेन को जो है वो कामयाब किया। आज यहाँ से हमने कलश को इकट्ठा करके एक रैली भी निकालेंगे
और इसके साथ साथ हमारे यहाँ से जो है 17 लोग जो है इस कलश को लेके जम्मू जाएंगे, वहाँ पे प्रोग्राम होगा, उसके बाद जो है वो कलश दिल्ली जाएंगे जहाँ पे पूरे देश से इस माटी को इकट्ठा किया जाएगा और जितने भी हमारे जवान जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है उनकी शहादत को जो है ताकि हमेशा हम अपने दिलों में यादगार बना के रखें। और इसके लिए मैं तमाम लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन का भी और आरडीडी डिपार्टमेंट की पूरी टीम का, साथ में हमारे इलेक्टेड लोग जितने भी हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है या आर्मी के जितने भी जवान हैं सबने मिलकर इसको कामयाब किया इस कंपेन को और आज बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे प्रोग्राम था वो था मेरी माटी मेरा देश, और देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान से जो है हर इलाके की जो मिट्टी है वो लेके वहाँ पे दिल्ली में जाके पहुँचानी है। और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि इससे पहले जो हमारे इलाके में जो शहीदों का दिन जो मनाया जाता था वो भारतीय सेना मनाती थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है सब मिल के जो है वो ये दिन मना रहे हैं। और हर जगह की मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात होगी कि ब्लॉक मनकोट के लोग इतने शहीद हुए लेकिन आज तक उनकी मिट्टी जो है दिल्ली तक नहीं पहुँची, ये पहली बार बात है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये जो मिट्टी हमारे इलाके की जो मिट्टी है ये दिल्ली तक पहुंच रही है। और मैं जितने भी ऐसे फैसले हैं उनका वेलकम करता हूं, क्योंकि हमारे इलाकों की अगर बात की जाए, ख़ासकर अगर हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ की बात की जाए और ख़ासकर मैं अपने इलाके की बात करूं, जितने हमारे लोगों ने शहादत दी है अपने वतन के लिए और जितनी मोहब्बत हमारे दिलों में है अपने वतन के लिए, मुझे नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी मोहब्बत जो है वो किसी के दिल में होगी। तो बहुत अच्छी बात है कि आज तक हमने मोहब्बत की लेकिन हमें इज़्ज़त नहीं मिली, आज हमारे वीर जवानों को जो है वो पूरा देश जो है वो इज़्ज़त दे रहा है, हमें अच्छा लग रहा है आज की बात।